Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'll be fine. This is Oxford New Syllabus Mathematics Book 3D3, and today we are going to do chapter number 6 of this textbook. आज हम सीखने वाले हैं कि what is the gradient of a straight line? एक लाइन का स्लोप, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या डिफाइन करता है? ठीक है, तो इसके हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और इसको सीखेंगे भी. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है, तो बच्चों इस चीज को याद रखो कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन इस तरह ड्रॉ की जाती है कि वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हो, चाहे किसी भी डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में हो या लेफ्ट डायरेक्शन में हो, तो उसका एक स्लोप बन रहा होता है. आप देख रहे हैं, उसका एक स्लोप बन रहा होता है और इसी को हम कहते हैं ग्रेडियंट या स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, अब ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना स्टूडेंट्स, तो हर स्ट्रेट लाइन की आपको पता है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है. तो ये जो दो पॉइंट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, हमेशा ये कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, बेसिकली आपके पास एक क्वाड्रेंट होता है स्टूडेंट्स, जो कि एक ओरिजिन के ऊपर मीट कर रहा होता है. और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और इसको हम कहते हैं जो वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस. तो इसके ऊपर ये जो दो पॉइंट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये दो एक्स एक्सिस और दो वाई एक्सिस के ऊपर लोकेट होते हैं. ठीक है, तो हर पॉइंट का एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है. ठीक है, यानी कि ये एक्स के ऊपर किस पॉइंट पर लाई कर रहा है और ये वाई के ऊपर किस पॉइंट पर लाई कर रहा है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर, मेरे पास आप ये देख सकते हैं कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ हुआ हुआ है, जिसके अंदर ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. अगर मैं एक लाइन इसके ऊपर ड्रॉ करती हूं, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर यहां पर आ रहा है इसका जो एंडिंग पॉइंट है, और स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर आ रहा है. ठीक है, ये इस तरह से, और यहीं पर इसका एक वाई एक्सिस के ऊपर भी एक, यहां पर इसके पास एक पॉइंट आ रहा है और एक पॉइंट यहां पर आ रहा है. तो ये अगर आप गौर से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है. ठीक है, तो ये पूरी एक कहानी है ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की, जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं आज की इस वीडियो में. और ये ग्रेडियंट बेसिकली बता क्या रहा होता है आपको बच्चों, तो आप यहां पर जैसे देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसका ग्रेडियंट हमें ये बता रहा होता है कि एक लाइन जो स्टार्ट से लेके एंड तक चेंज हुआ है, उसका पैटर्न, उसका स्लोप जो चेंज हुआ है स्टूडेंट्स, तो ये जो वर्टिकल उसका चेंज है वो किस रेशो से हॉरिजॉन्टली चेंज हुआ है. यानी कि अगर x एक्सिस एक पॉइंट चेंज हुआ है, तो उसके रिटर्न में y एक्सिस कितना चेंज हुआ है. हर एक पॉइंट x एक्सिस के चेंज होने के चक्कर में कितना y चेंज हुआ है, इस रेशो को हमें ये ग्रेडियंट बताता है. ठीक है, यानी कि अगर x एक्सिस पे ये यहां था और x एक्सिस इसका चेंज होकर इधर इतना हो गया, तो y एक्सिस जो यहां से यहां चेंज हुआ है, तो इसका रेशो कितना है ये आप बता दीजिए. किस रेशो से ये चेंज हुआ है, इसी को हम कहते हैं ग्रेडियंट. आसान लफ्जों में ये समझ लो कि y कितना प्रोपोर्शनल है x के, यानी x कितना बढ़ेगा कि उसके टर्म्स में y कितना बढ़ेगा, तो इस चीज को कौन डिफाइन कर रहा होता है, ये आपका ग्रेडियंट डिफाइन कर रहा होता है. आओ अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका हम फॉर्मूला देखते हैं और इसको देखते हैं हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स, बस दो तीन बातें अपने ध्यान में रखनी है आपको. किसी भी दो पॉइंट्स के जब आपने ग्रेडियंट मालूम करने होते हैं कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो आपके पास चार पॉइंट्स गिवन होते हैं स्टूडेंट्स. फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर बताऊं, ये एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है और ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. तो इसके अंदर हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे जो स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं और दो पॉइंट्स होते हैं जो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं. स्टार्टिंग पॉइंट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, कि इस पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस कितना हुआ है
और y एक्सिस कितना है, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट होता है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर कहूं ये 2:4 है, तो ये जो पहला पॉइंट होता है ये x एक्सिस के ऊपर हमें बता रहा होता है कि कितना इसने ट्रेवल किया है, और y एक्सिस के ऊपर दूसरा नंबर बता रहा होता है कि इसने कितना आगे मूव किया है। और जो दूसरा पॉइंट है तो ये हमारा होता है एक्स वन y1, और ये दूसरे पॉइंट के ऊपर हमारे पास इसी तरह से जो दो नंबर्स आ रहे होते हैं तो वहां पर वो हमारे पास x2 और y2 होता है, जहां पर लाइन हमारी एंड हो रही होती है। तो पहला जो डिजिट होता है हमारा, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं ले लूं 5, और यहां पर y एक्सिस हमारा कितना है 1, तो ये हमारे हो जाते हैं x2 और y2। और जब भी हमें ग्रेडियंट मालूम करना होता है तो उसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है कि जो दो पॉइंट्स आपको दिए हैं, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इसके अंदर आपने सिंपली ये करना होता है कि y2 की वैल्यू में से y1 को सब्ट्रैक्ट करना होता है, जो आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड कर देना है x2 माइनस x1 से, और आपका ग्रेडियंट कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स होते हैं, दो x आपको पॉइंट्स मिलते हैं और दो y के पॉइंट्स मिलते हैं, अब इसके अंदर आप कोई सभी x1 y1 ले सकते हैं और कोई सभी x2 y2 ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, वो आपको अल्फाबेटिकली दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। आप लाइन्स को जो है वो लेबल कर रहे हैं और उनको नाम दे रहे हैं उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स को, और उसके दोनों पॉइंट्स के आप जो पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर वो भी आपको गिवन है। तो अब चाहे आप पॉइंट ए के ऊपर एक्स वन वाई वन मान लीजिए और बी के ऊपर एक्स टू वाई टू मान लीजिए, और चाहे इसको आप x2 y2 मान लीजिए और इसको x1 y1 मान लीजिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आंसर आपका सेम ही आएगा। उसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर आपके पास पहली सूरत में दोनों में पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो उसका सम भी आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, और अगर आपके पास दोनों नेगेटिव आंसर्स आ रहे हैं तो आपको ये बात पता है कि नेगेटिव नेगेटिव जब डिवाइड होते हैं तो वो आंसर तब भी पॉजिटिव देते हैं, ठीक है। इसलिए आपके पास जो आफ्टर इफेक्ट आएगा वो हमेशा इक्वल होगा, आप किसी भी पॉइंट्स को x1 y1 और x2 y2 ले सकते हैं। तो अब आइए हम इन्हीं पॉइंट्स को लेकर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और जब हम इसको यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि हमारे पास ग्रेडियंट क्या आ रहा है। हमारे पास ग्रेडियंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अब आप यहां पर y2 और x2 किसी भी पॉइंट्स को ले सकते हैं और y1 x1 भी आप किसी भी पॉइंट्स को ले सकते हैं। तो हमने x1 y1 0 और 0 को लिया और x2 y2 हमने माइनस 2 और 1 को ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास y2 क्या है 1 है, y1 क्या है 0, तो 1 माइनस 0, उसके बाद x2 हमारे पास माइनस 2 है और x1 हमारे पास 0 है, तो माइनस 2 माइनस 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ गया 1 अपॉन माइनस 2, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। इसी तरह से अब आप देखिए हमारे पास जब सी डी था तो हमने वहां पर x1 y1 2 और माइनस 3 को लिया और यहां पर x2 y2 1 और 7 को लिया, तो x2 हमारे पास क्या है 7 माइनस y1 क्या है माइनस 3, तो इसको ब्रैकेट में कर दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 7 प्लस 3 10 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह x2 है आपके पास 1, उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है x1 दैट इज 2, तो 1 माइनस 2 आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 1, तो 10 अपॉन माइनस 1 आपको देता है माइनस 10। इसी तरह से ई एफ को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस मरतबा मैंने जो पहले दो पॉइंट्स थे उसको x2 y2 में लिख दिया और जो दूसरे वाले पॉइंट्स थे उनको मैंने x1 y1 के अंदर कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास आंसर सेम आता है या नहीं। तो आप यहां पर देखिए y2 मेरे पास 4 है, y1 मेरे पास 8 है, 4 माइनस 8 किया, उसके बाद ये माइनस 2 है और ये हमारे पास माइनस 5 है, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 3 होता है, 4 माइनस 8 माइनस 4, आंसर आ जाएगा माइनस 4 अपॉन 3, ठीक है। और यही सेम मेथड को फॉलो करते हुए हमने बाकी अपने तीनों पार्ट्स को भी सॉल्व कर लिया है, तो हमारे पास आंसर आया माइनस 3, फिर 11 अपॉन 4, और लास्ट में हमारे पास जो स्टूडेंट्स आंसर आ रहा है वो आप देख सकते हैं कि y2 माइनस y1, क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज हैं इसका मतलब ये है कि y एक्सिस जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पर खत्म हो गया है, और ये कब हो सकता है स्टूडेंट्स, जब हमारे पास जो लाइन है वो y एक्सिस के ऊपर मूव ही ना की हो, यानी हमारी स्ट्रेट लाइन जो है वो वर्टिकल लाइन हो, तो जो y एक्सिस के ऊपर हमारा आ रहा है वो चेंज नहीं होगा, सॉरी ये तब होता है जब x एक्सिस मूव नहीं होता, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है कि जिसके ऊपर हमारी y2 और y1 बिल्कुल सेम रहेगी,
इसी वजह से यहाँ पर हमारे पास जो y2 माइनस y1 आता है दैट इज जीरो, और हमारा जो इफेक्ट आता है, जो हमारा रिजल्ट आता है, वो भी हमेशा जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें ये भी पता चल गया कि अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन, तो वहां पर हमारे पास हमेशा ग्रेडियंट जीरो होगा, और अगर हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है जिसके अंदर हमारे पास एक्स एक्सिस मूव नहीं हो रहा, तो वहां पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि हमारे पास वहां पर वाई एक्स टू माइनस एक्स वन जीरो हो जाएगा, और जब भी डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो वहां पर आंसर हमारा इन्फिनिटी में चला जाता है, कुछ भी हमारा आंसर नहीं आता।